सो टाइम हो गया 6:10 एंड थोड़ा सा हम आ गए बावधान तक आ गए हैं एंड नाउ इट विल टेक सम मोर टाइम लाइक 5-10 मिनट्स टू रीच टू नवले ब्रिज। नवले ब्रिज पहुंचने के बाद अपन वहां पे कुछ और राइडर्स अपने को ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम वहां से अपने जो आज का डेस्टिनेशन है उस तरफ निकल चलेंगे। मौसम को ऐसा देख के लग रहा है कि बारिश होगी और आज भी मैं अपना लाइनर नहीं लाया हूँ, तो चलो ठीक है देखते हैं, भीगे तो भीगे, नहीं भीगे तो नहीं भीगे। अवले ब्रिज और यहाँ पे हमारे दो और राइडर नीलेश एंड वन मोर गाय। कैसा भाई? रेडी टू रोल। सो आज हमारे साथ 5 राइडर्स हैं, तो 3 CB350 है आज, एक मीटियोर और एक हमारे साथ है GS310 BMW। हल्का सा सुबह हो गया है, मतलब समय तो 6:30 लेकिन हल्का सा सुबह जैसा दिख रहा है, अभी सूरज आया नहीं है बट थोड़ा सा उजाला हो गया है, अपने लिए बढ़िया हो गया क्योंकि जो लाइट्स आती थी मुंह पे ना वो बंद हो गई आना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है चलाना वो। मॉल बन गया है, बढ़िया ठंड सी लगने लग गई है, बादल पूरे चारों तरफ पहाड़ों पे आप देख रहे होंगे, मजेदार आज ठंड हो गई भाई इधर इस तरफ ज्यादा। तेल लेना यार, रेंज 71 ही दिखा रहा है, वो थोड़ा सा है डामाडोल बट चलेगी, मतलब इतना नहीं, कम से कम 120-140 किलोमीटर तक आराम से जाएगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी गलत रीडिंग भी देता है ये, नॉट ऑलवेज राइट। दादा आप किधर जाओगे? अंदर इंडिकेटर बंद कर दो। सुबह सुबह जो राइड है ना इस हाईवे, बड़ा मजा आता है। देखो ना व्यू, देखो कुछ ऐसे आपको निकलते ही आपको ऐसे व्यू मिल जाते हैं शानदार। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द कार्थेज टनल, काफी ही सुंदर टनल बना रखी है। चाय वाय पी ली और अब हम चल रहे हैं गांव की तरफ, पानवाड़ी की तरफ, क्योंकि वहां पे कुछ मिलना वाला है नहीं, काफी रिमोट है। सो यहीं से चाय वाय पी के अपन तब चल रहे हैं। नाउ 7 बज गया है अभी और मेरे ख्याल से यहाँ से 30 किलोमीटर कुछ है, तो हमको आधा घंटा 40 मिनट जैसा कुछ लग जाएगा, पहुँच जाएंगे हम टाइम से एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिटर्न बाय 12:30। घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से तो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलो भाई, गाड़ी को रिफ्यूल भी थोड़ा सा करा लिया, अब कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा लग रहा था टेंशन वो ख़त्म हो गई। देख रहे हो बाइक्स कैसे भाग रही हैं भाई साहब, हार्ले डेविडसन। सुबह सुबह इस रोड पे यहाँ से वाई और सतारा महाबलेश्वर तक जाने वाली बहुत सारी सुपर बाइक्स आपको मिल जाएंगी इस रोड पे खास तौर से। अभी तो ऐसी निंजा ऐसी भाग रही थी जैसे मोटो जी पी इधर ही चल रहा हो ऐसी स्पीड में। फैट बॉब बहुत सही बाइक भाई, फुल क्रूजर, बंदे ने US और हार्ले डेविडसन का फ्लैग लगा रखा है, मतलब इसका कंफर्ट और इसका वो तो गजब लेवल का होगा भाई। 1600-1700 CC का इंजन, और अब हम कट जाएंगे गांव की तरफ। सो नेशनल हाईवे से हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और अब नज़ारे बेहतरीन चालू हो जाएंगे, अभी तक तो सुंदर थे ही, ठंड लग रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, लेकिन अब और सुंदर हो जाएंगे नज़ारे। आज सुपर बाइक्स के बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सुपर बाइक्स दिख रही है भाई आज तो, ये देखो TR के, ऐसे ऐसी बाइक देख लेते हैं ना सुबह सुबह दिमाग हिल जाता है। प्रॉपर गांव में दोनों तरफ खेत आप देखो, बढ़िया
और कच्ची रोड, नॉट एग्जैक्टली कच्ची रोड बट ख़राब रोड है, तो रोड टायर की, और सामने चारों तरफ पहाड़ खूबसूरत बादल से ढके हुए, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, ये देखो करके अब प्यारा बना है। वाह, आज बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे इंटीरियर्स ऑफ पुणे। तो आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो एकदम से अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ बहुत लोग नहीं जाते या बहुत रश क्राउड ऐसा कुछ मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति वाला एरिया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे होंगे। सामने देखो अब बहुत सुंदर नज़ारे होंगे, वाटरफॉल की उम्मीद नहीं है बट जो घाटियां हैं और एक कुछ घाट के जो रोड्स होते हैं या फिर घाट पे जैसा आपको नज़ारे मिलते हैं वैसे नज़ारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और फुल गांव वाला फील आएगा, यहाँ आ ही रहा है ऑब्वियस सी बात है भाई, आप देखो ना क्या सही दिख रहा है। एंड इट्स अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हिंजेवाड़ी, और हम लोग जहाँ से आए नवले ब्रिज, सो नवले ब्रिज 20 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है वहाँ से, सो इट्स अराउंड 50 किलोमीटर्स ओनली, तो काफ़ी दूर नहीं है, इजी आप आ सकते हो। रोड हाईवे तक तो अच्छी है बट उसके बाद अब ये रोड की कंडीशन आप देखो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, गाँव की रोड है तो थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। मोर देख रहे, मोर दिख रहे किधर? मोर ढूंढ किधर है? हाँ उधर से आवाज आ रही है, वो हो गया देख। तेज़ ऊपर, समय हो गया है 7:45, हमने करीबन आधा घंटा यहाँ पे हम रुके, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ड्रोन के साथ, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है ड्रोन से, क्या चीज़ बनाई है भाई, गजब ही है। अभी हमने एक पॉइंट पे कुछ व्यू लिया, एक रुके थे, अब हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, एक्चुअली 3-4 पॉइंट हैं यहाँ पे जो अच्छी नज़ारे जहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, वी विल एक्सप्लोर ऑल दोज पॉइंट्स एंड देन विल गो बैक। इतने सुंदर होंगे, ये देखो बादल सारे और ये वैली, वाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार ये, वी शुड वेट हेयर, थोड़ा रुकते हैं भाई इधर, एक बार ले लेते हैं व्यू फोटोज़, क्या सही दिख रहा है यार, एकदम नहीं कहते गजब भी दिख रहा भाई। बादल और इतने पास में है सारी चीजें, ये जगह सब अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ कोई बाइकर नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आपको ऐसा दूसरा बंदा नहीं मिलेगा तफरी मारते, केवल गांव पे और गांव हैं, गांव के लोग, क्योंकि ये लोग जगह किसी को बहुत लोगों को मालूम ही नहीं यार। और हल्की गीली गीली रोड, मतलब बारिश होके अभी निकली है, गांव है ना यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ से घिरे गांव, कितना सुंदर है। इन लोग के लिए तो डेली जैसा ही होगा, इनको कुछ खास ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन जो बाहर से देखता है आके उसके लिए काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कालदरी, और
कालदरी घाट है जो अभी हम जहाँ से निकले। जैसे मुझे लग रहा था ये एक तो जंगली भी हो सकते हैं और खेती भी हो सकती है, लेकिन जंगली ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बहुत सही दिख रहा है। ये देखो ये गांव कालदरी गांव, और अब हम और आगे जा रहे हैं, पानवाड़ी तक जाने का है अपना, वहाँ तक जाके देन विल कम बैक, फिर कुछ करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर जाएंगे घर। ओके इधर ही फोटो होगी। पानवड़ी एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा है। छोटा सा गांव है जो कि 60-70 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, बहुत ही खतरनाक है व्यू। ये व्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये कुछ व्यू और देख लीजिए। यहां पे भाई लोग हमारे ड्रोन उड़ाना चालू कर दिए, कुछ ड्रोन फुटेजेस भी देखो अगर मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन गाँव का रास्ता ही बहुत अच्छा है यार, जो रोड है बहुत सुंदर बनी है, लेस एक्सप्लोर्ड है, तो गड्ढे गुड्ढे नहीं है, पैचेस नहीं है, क्राउड ही नहीं है यार। गांव के दो कुछ लोग हैं बस, वही है जो यूज़ कर रहे हैं, बाकी इस तरफ क्राउड नहीं है। ये रास्ता जुड़ जाता है सासवड़ को जो कि हडपसर को होके निकल जाएगा, और हम वो रास्ता नहीं लेने वाले हैं, हम रास्ता यही वापस इसी रोड से वापस जाएंगे, खेड़ शुरपुर वाला टोल लेके वापस, वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम आगे चले जाएंगे अपने घर की तरफ। व्यू बहुत शानदार है यार। चलो यार, टाइम अराउंड 8:30 के आसपास हो रहा है। आराम से तफरी कर ली यहाँ पे, अब चल रहे हैं कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे कुछ पॉइंट्स पे, एंड देन विल गो फॉर अ ब्रेकफास्ट। अब टाइम हो गया है 8:48 अराउंड 9, एंड वी आर ऑल सेट। हमारा पानवड़ी का जो राइड था वो हो गया है, लेकिन जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी ना बहुत सही है यार। ये छोटे छोटे जो गांव हैं और एकदम खेत मंदिर जो प्रॉपर होते हैं ना गांव, ये फील देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स भी हैं और रोड काफ़ी अच्छी है, खाली है और गड्ढे उड्ढे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है। देखो ना क्या बढ़िया कर्व्स हैं, टर्न्स हैं, तो आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो आप। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जानेंगे वैसे वैसे और यहाँ पे आने की सबको इच्छा होगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, शांत है। यहाँ पे ऐसे चिड़ियों की पक्षियों की आवाज़ आपको कान में सुनाई देगी ना, इतना बढ़िया लगेगा, लगेगा कि यस यू आर जस्ट वॉन्डरिंग। और मेरा तो जैसा वीकेंड वॉन्डर नाम है, टुडे इज़ वीकेंड एंड आई एम टुडे आई एम वॉन्डरिंग, सो माई नेम फुली जस्टिफाई द एक्शन। ओके एंड आप लोग से एक और अपील कर दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं एंड अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हैं, इट मींस यू आर लाइकिंग द वीडियो, तो प्लीज़ भाई लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना हमारे साथ। और आपसे मिलते रहेंगे अगली और बहुत सारी वीकेंड राइड्स पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वीकेंड राइड्स ही होंगी, हमारी वीकडे राइड्स भी हो सकती है, डिपेंड्स कैसा सिचुएशन है।
ले लिए हैं, कुछ बी रोल्स भी निकाल लिया है और अब फटाक से गाड़ी खींचते हैं। रोड बहुत अच्छी है यार, रोड के साथ नज़ारे बहुत अच्छे हैं। अब मैं जो फील कर रहा हूँ यार ना बाइक पे बैठ के यहाँ पे सामने से, और आप लोग जो लोग कैमरे में देख रहे हो या अपनी अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हो, काफ़ी अलग अनुभव है दोनों लोगों का। Stopped here for breakfast. Breakfast भी हो गया, इतनी भूख लगी थी कि जल्दबाजी में मैंने कैमरा ऑन नहीं किया और आपको दिखा नहीं पाया कि क्या हमने खाया। वैसे मेंदू वड़ा और पोहे अपना स्टैंडर्ड। बाकी ये दिखा खड़ी अपनी चार पांच गाड़ियाँ और अब आ रही है चाय। चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। मौसम ठीक ठीक है, टाइम हो गया है अराउंड 9:30, तो हम 11:30 या 12 तक मैक्सिमम अपने घर पहुँच जाएंगे। आज की राइड बढ़िया हो गई, जल्दी भी हम निकल गए। चलो यार चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब चलते हैं घर पे सीधा सीधा, कहीं और नहीं रुकना है। आज की राइड थोड़ी सी जल्दी अपने को ख़त्म करनी थी और जल्दी ख़त्म हो रही है। चलो चलो चलो, मस्त ब्रेकफास्ट हो गया आज। अब बढ़िया सा हाईवे पे अपन क्रूज करेंगे, कम से कम 70-80-100 पे। लेट्स रोल बेबी रोल, इसी का तो वेट था। काफ़ी टाइम से ख़राब सड़क पे गाड़ी चला रहे थे और अब मिली है बढ़िया हाईवे और यहाँ पे हमारी गाड़ी भागेगी। भैया खेड़ शिवपुर का टोल अपन ने पार कर लिया है और बहुत तेज़ आए हैं, 70-80 की स्पीड में मस्त क्रूज़ करते हुए। अब यहाँ से टारगेट है, टाइम हो गया 10:30, टारगेट है 12 बजे तक घर पहुंचने का नॉन स्टॉप। सो 1.5 घंटे की जो राइड होने वाली है वो नॉन स्टॉप होगी और देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है एक्चुअली अपने को, क्योंकि बावधान से 1 घंटा लगता है और बावधान से हम बहुत पहले हैं, तो हम 1.5 घंटा पकड़ के चल रहे हैं कि 1.5 घंटे के आसपास हमको लगना चाहिए और उसी एस्टिमेट पर 12 बजे तक घर पहुँचेंगे। अपनी स्पीड होने वाली है 70-80 वही कॉन्स्टेंट। बाकी मौसम ने आज बहुत अच्छा साथ दिया, आज बारिश नहीं हुई, जिस चीज़ का हमेशा डर बना रहता है मानसून राइड्स में ख़ास तौर से कि बारिश ना हो जाए। घाट सेक्शन पे तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे आज बारिश नहीं हुई, काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि रेन लाइन पर कुछ लाए नहीं थे और बच गए। काफ़ी अच्छी अच्छी फुटेज बनी है, ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखे होंगे, कैसे लगे कमेंट में करके ज़रूर बताना। गोइंग टू इंटर कातरच टनल, और बहुत ही बढ़िया टनल है यार, जब इधर कभी राइड करो ना मज़ा आता है इस टनल में इंटर मार के। थोड़ा सा 1000 डाउन कर दें और देन वी आर गुड टू गो। वाह, तेजी से भागा था लेकिन शहर के ट्रैफिक ने सबको रोक के रख दिया है, सबकी स्पीड पे लगाम लगा दिया है, इतना ट्रैफिक है। सुबह का बज रहा है अराउंड 11 और अभी से हाईवे पे एकदम चकाचक जाम चालू हो गया है, ये 12-1 बजे तक और तगड़ा होगा। आज है संडे तो काफ़ी लोग निकलते हैं घूमने फिरने टहलने और जो निकले होते हैं वो वापस आते हैं, तो उसका ट्रैफिक तो शाम को होगा, बट ये अभी घूमने फिरने वालों का ही है। ऑफिस नहीं रहता आज तो इस तरह से थोड़ा सा कम ट्रैफिक रहता है। पुणे में आजकल ट्रैफिक की हालत बहुत ही बुरी हो गई है, मतलब क्या बोला जाए, मेट्रो चल नहीं रही है, मेट्रो जहाँ चल रही वहाँ ज़रूरत नहीं है और जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ भी बन रही है, तो समझिए बनने के चक्कर में पूरा कंस्ट्रक्शन की वजह से सारा खुदा हुआ है रोड, ट्रक की मूवमेंट्स ने उन रोड्स पे और पॉट होल्स कर दिए, तो ऑलरेडी रोड छेक ली गई है, मतलब थोड़ी सी रोड बची है उस पर भी पॉट होल्स हैं, तो समझ लो क्या ही कंडीशन होगी। तो इसी कंडीशन में अपना चले आ रहे हैं। मैंने सोचा था 11:30 हम लोग यहाँ पहुँचेंगे और हम 10:56 पे पहुँच गए। क्या भागी है गाड़ी भाई, क्या भागी है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से लगेगा थोड़ा ट्रैफिक, हिंजवाड़ी चौक तक ट्रैफिक रहेगा और उसके बाद अपन मान रोड से चलेंगे तो भगा के ले चलेंगे, तो 1/2 घंटा समझ लो यहाँ से और 11:30 वी विल रीच एट होम।
सो आज हमने 12:30 का कमिट किया था। खाली रोड, ये हिंजोड़ी चौक पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, क्या है भाई आज? कुछ तो ट्रैफिक होना मांगता है यार, इतना खाली देखना अच्छा नहीं लगता 11 बजे वो भी दिन में हिंजेवाड़ी को भगाने के। सो मैंने जैसा बोला था कि हम 12 बजे तक पहुंचेंगे और उसके बाद हिंजोड़ी में जल्दी पहुंच गया, फिर हिंजोड़ी से मुझे लगना था आधा घंटा, जो मुझे केवल लगा है 8 मिनट, आधे घंटे की जगह 8 मिनट। आज ट्रैफिक भी कम था और मान में थोड़ा ट्रैफिक था, बट तभी ट्रैफिक यहाँ कम था जिसकी वजह से हम आज 11:10 तक घर पहुँच जाएंगे बड़े प्यार से, और आज बहुत अच्छे टाइम पर पहुँच गए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।